नगर निगम कोटा दक्षिण ने वसूला 29,000 रुपये जुर्माना। 13/5/2023 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत महापौर राजीव अग्रवाल और राजेश डांगा अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए सफाई एवं गंदगी फैलाने वालों पर चालान की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण के निर्देशानुसार कोटा शहर में आमजनों द्वारा रोड पर गंदगी करने एवं निर्माण सामग्री सड़क पर रखने वालों के खिलाफ समझाइश के साथ साथ चालान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण के पवन मीणा उपमहापौर एवं अध्यक्ष सफाई समिति ने बताया कि आमजनों से समय समय पर गंदगी नहीं फैलाए जाने के लिए आग्रह किया जा रहा है, परंतु कुछ लोगों द्वारा आए दिन सड़कों पर मलबा निर्माण सामग्री डालकर सड़क को अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे वहां पर रहने वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम कोटा दक्षिण ने कोटा शहर में शिव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर नंबर 1 के वार्ड नंबर 22 के सिंधी कॉलोनी में मकान नंबर 76 के मालिक दीपिका साहनी एवं मकान नंबर 76A सिंधी कॉलोनी के मालिक राजीव चंदवानी ने निर्माण सामग्री सड़क पर डालकर रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था, जिस पर स्वास्थ्य निरीक्षक ने कार्यवाही करते हुए 10,000 के जुर्माना राशि दोनों मकान मालिकों से वसूल की गई है। इसी कार्यवाही में मकान नंबर 14 से वल्लभ नगर महेंद्र शर्मा द्वारा भी गली में मलबा फैलाने पर 1,000 राशि चालान की कार्यवाही की गई। नगर निगम कोटा दक्षिण में शहर के सभी क्षेत्रों में गंदगी फैलाए जाने वालों पर कार्यवाही की गई। अर्जुन संगत स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर नंबर 3 के केशवपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 62 में महेश मित्तल मकान नंबर 1397 ने भी रोड पर निर्माण सामग्री के फैलाने एवं नाली को जाम करने पर 6,000 राशि का जुर्माना किया गया और सेक्टर नंबर 8 छावनी के स्वास्थ्य निरीक्षक नासिर मोहम्मद ने भी वार्ड नंबर 42 में सरकारी रोड पर निर्माण सामग्री डालकर रोड को बाधित करने पर जुर्माना राशि 2,000 वसूल किया गया। नगर निगम कोटा दक्षिण के समस्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को आयुक्त के निर्देशानुसार पालना करते हुए निर्माण सामग्री फैलाए जाने वालों पर लगभग 29,000 कुल राशि निगम कोष में जमा करवाई गई और भविष्य में शहर को स्वच्छ एवं सुंदर रखने के लिए गंदगी न फैलाने हेतु सभी को पाबंद किया गया। BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।